और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वर वधु परिचय सम्मेलन में सरयू पारिन ब्राह्मण समाज के 21 युवक युवतियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। एडवोकेट रमेश त्रिपाठी की सामाजिक पहल। वासी में डॉक्टर रमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित सरयू पारिन ब्राह्मण वर वधु परिचय सम्मेलन में नवी मुंबई थाने और मुंबई के सैकड़ों ब्राह्मण परिवारों ने हिस्सा लिया। यहां विवाह योग्य 21 युवक युवतियों का पंजीकरण कराया गया। मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त VK त्रिपाठी ने ब्राह्मण युवक युवतियों के विवाह में देरी का उल्लेख करते हुए समाज और मैट्रिमोनियल संस्थाओं के बीच समन्वय की जरूरत बताई। वहीं भाजपा नेता संजय उपाध्याय एवं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे ने मुंबई जैसे शहर में ऐसे कार्यक्रमों को वर वधु की तलाश कर रहे ब्राह्मण परिवारों के लिए उपयोगी बताया। साथ ही वर वधु परिचय सम्मेलन को और अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई। सरयू पारिन पांडे फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस 17वें वर वधु सम्मेलन के आयोजक एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी और इसके शिल्पकार विजय पंडित का अभिनंदन करता हूँ कि मुंबई शहर जैसे शहर में जहाँ इसकी बहुत जरूरत है ऐसे सम्मेलन लगातार करते रहें। 17वां सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्मेलन है और एक समाज को जो ज़रूरत है उत्तर भारतीयों के समाज को, जो पूर्वोत्तर के लोग यहाँ आकर के मुंबई में अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा करके चल रहे हैं, समाज के सामने एक बड़ी समस्या बच्चों की शादी विवाह की है, वो उस समस्या को हल करने के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमें लगता है कि समाज को सारे लोग को मिल करके इस फाउंडेशन और इस आयोजकों को मनोबल बढ़ा रहा है, इसके लिए सबके साथ और सहयोग करना चाहिए क्योंकि आज के युग में ऐसे आयोजन होने से एक तो शादी विवाह की जो लोग समस्या है उसका समाधान होगा और दूसरी बात है कि जो ब्राह्मणों का संस्कार है हमारे बीच हमारे आगे हमारे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जब तक संस्कार बच्चों में नहीं आएगा वो समाज को समझ नहीं पाएंगे। इस तरह का आयोजन करने से बच्चों में संस्कार की भावना बढ़ेगी और जब बच्चे आने वाली पीढ़ी भी यदि अपने संस्कार को समझेगी तो निश्चित तौर से ब्राह्मण समाज एकजुट होगा, आगे बढ़ेगा और जहाँ भी रहेगा अपना कृत से सारे लोगों को प्रकाशित करता रहेगा। मैं एक बार पुनः रमेश त्रिपाठी जी, विजय पंडित जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ब्राह्मण समाज में शिक्षा का महत्व है और हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, पढ़ते पढ़ते वो उम्र पार कर लेता है और ऐसे में पढ़े लिखे लड़कों लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढना मुंबई की व्यस्तम जिंदगी में अब लोग पारिवारिक मूल्यों से सामाजिक मूल्य से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को एक साथ लाकर एक अवसर प्रदान करना जिसमें कि योग्य वर या योग्य वधु मिल जाए, ये बहुत ही सराहनीय काम हमारे विजय पंडित जी एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं, मैं उनके इस काम की प्रशंसा करता हूँ। निश्चित ही समाज ने परिवार के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इस प्रकार की आज शुरुआत भी करने की बात हुई है और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें सम्मिलित भी होना चाहिए और साथ ही साथ शादी ब्याह में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करके बिना
दहेज लिए शादी करने की बात को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक एवं युवा नेता एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने बच्चों का पंजीकरण कराने वाले ब्राह्मण परिवारों का आभार जताते हुए कहा कि सरयू पारण और कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के बीच खड़ी वैवाहिक दीवार को तोड़ने की जरूरत है। युवा नेता ने कहा कि दुनिया बदल रही है, ऐसे में ब्राह्मण समाज को भी नए बदलाव स्वीकार करने होंगे। आज का रिस्पांस देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज अभी तक लगभग 25 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और काफ़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी कल ही मुझे एक लखनऊ से एक महिला का फ़ोन आया जो उन्होंने बोला कि आपका कार्यक्रम देख करके मैं भी अपने बच्चे का बायोडाटा भेजना चाहती हूँ। तो इसका रिस्पांस इस हाल से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़्यादा संपूर्ण भारत में हुआ है। मेरा सिर्फ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही आह्वान है कि समय को देखते हुए हम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, एक बैरियर जो है, जो सरयू पारण और कान्यकुब्जी है, इसको क्रॉस करते हुए सर्वदलीय ब्राह्मण समाज का इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें परिवार जरूर सहभागी हो और परिवार के साथ आने पर इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसकी शुरुआत और घोषणा आज हमारे अग्रजों ने यहाँ पे किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि जरूर आगे इन ऐसे कार्यक्रमों में पूर्व परिवार के साथ लोग आएंगे और उसका लाभ समाज को मिलेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में सरयू पारण ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष विजय पंडित, शिवसेना युवा नेता आदित्य दुबे, राजेंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, एडवोकेट प्रीति दुबे, संदीप शुक्ला, दर्शन तिवारी, चंद्रशेखर शुक्ला, ओम प्रकाश तिवारी समेत तमाम बड़े समाजसेवी और अतिथि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।